नमस्कार दोस्तों, उद्भव सब मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए डेली हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है विशेषण और विशेष पार्ट टू, तो जो आपके आने वाले एग्जाम्स RO, UPSS, UPSI, पुलिस, लेखपाल, या यूँ कह सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी भी परीक्षा के हिंदी विषय में जो अधिकतम स्कोर अगर आपको करना है, उसके लिए वीडियो बहुत ही सहायक साबित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बहुत सा मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम आज इस विशेषण एवं विशेष्य के प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है, इस वाक्य में उस शब्द है। प्रश्नवाचक विशेषण, विकरणवाचक विशेषण, सी संकेतवाचक विशेषण, या डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ए संज्ञा विधि से, बी सर्वनाम विधि से, सी क्रिया विधि से, डी प्रत्यय विधि से। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यय विधि से। लोभी में जो है आपका ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ए छोटा बड़ा, बी हरा पीला, सी दो तीन, या डी राम लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर है राम लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है छोटा बड़ा हरा पीला जो है गुणवाचक विशेषण है, दो और दो तीन जो है गणनावाचक है, जबकि राम लक्ष्मण जो यह है विशेषण नहीं है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ए सात, बी काला, सी रावण, डी खट्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है सात। सात क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी उपासक, उपासक विशेष्य है, जबकि श्रेष्ठ जो क्या है विशेषण है, श्रेष्ठ विशेषण है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? ए दो विशेषण और दो विशेष्य, बी तीन विशेषण और दो विशेष्य, सी चार विशेषण और तीन विशेष्य, डी चार विशेषण और दो विशेष्य। तो इसका करेक्ट आंसर है डी चार विशेषण और दो विशेष्य। भले महान उचित और संयमित जो है आपके विशेषण है, जबकि लोग और व्यवहार विशेष्य है। अगला प्रश्न देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, सी देने की, या डी किसी की नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी दूध की। अगला प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक, डी परिमाणवाचक। इसका करेक्ट आंसर है बी गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है पूछा है? ए उत्कृष्ट, बी निकृष्ट, सी दृष्ट, डी विषाद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी विषाद। विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य जो विकल्प हैं वो विशेषण हैं। उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्ट ये विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, 11 है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं पूछा है। ए सज्जन, बी दुर्जन, सी सुकुमार, या डी मानस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मानस, विशेषण नहीं है, जबकि सज्जन, दुर्जन, सुकुमार विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है? ए आगामी, बी शांत, सी काला, डी तुम। ये इसमें आपको बताना है कि विशेषण नहीं पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है तुम। तुम किस लिए? तुम सर्वनाम है, जबकि अन्य जो विकल्प जो है यानी है वो सब विशेषण है। आगामी, शांत, काला, ये सब विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेष्य है? विशेष्य पूछा है। ए ललिता, बी सुंदर, सी लंबा, डी लघु। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ललिता। ललिता विशेष्य, जबकि सुंदर, लंबा, लघु विशेषण हो गई। निम्नलिखित में से कौन विशेष्य पद है? ए उमा, बी कालिमा, सी मधुरिका, या डी महिमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए उमा। कालिमा, मधुरिका, महिमा, ये सब क्या है? विशेषण है। उमा विशेष्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशेषण पद है? उपासना, उद्गार, आयत लोचना, या डी वंदना। तो इसका करेंट आंसर क्या है? आयत लोचना।
अर्थदर्शना विशेषण है, जबकि उपासना उद्गार और वंदना जो है विशेष्य पद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेषण है? पूछा है कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य शब्द विशेषण है, जबकि कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतः इसलिए ही भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए राम और श्याम भाई हैं, बी राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, सी माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्यों बताते हैं अब आपको? इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे जो और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, और यहाँ और डी में जो है, और यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं है बल्कि विशेषण के रूप में है, जिससे यह ध्वनित हो जाता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है, डी वह लड़का फूल लेकर चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। और इसमें इसमें पूछा ना नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो दिए गए वाक्य में गुलाब के फूल मुझे पसंद में पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो पसंद है, सॉरी, पसंद जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है ए तीन विशेषण और तीन विशेष, बी दो विशेषण और दो विशेष, सी चार विशेषण और एक चार विशेषण और चार विशेष होना चाहिए था यहाँ पे, या तीन विशेषण और चार विशेष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार विशेषण और तो चार विशेष से होंगे यहाँ पे। सुगंधित लोभी, सुगंधित लोभी और आपका राजस्थानी व अवैध, ये क्या है? ये सब आपके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। वही कस्तूरी शिकारी हिरणो शिकार सदैव जो है विशेष के रूप में है। अगला प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है तीन विशेषण और दो विशेष, दो विशेषण और तीन विशेष, दो विशेषण और दो विशेष, तीन विशेषण और एक विशेष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आपका आंसर जो होगा, इसमें तीन विशेष हो, विशेष हो जाएंगे और दो विशेष हो जाएंगे। समुद्री घातक और कीमती, ये शब्द क्या है? ये शब्द आपके विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। वही सांप और जो जहर है वो आपका विशेषिक जहर विशेष के रूप में होगा, इसलिए यहाँ पर तीन विशेषण हो गए और दो विशेष्य। अगला प्रश्न देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में विशेष से पूछा है ए दशरथ, बी राम, सी प्राण, डी आकुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी प्राण। बाकी दिए गए वाक्य में मुख्य विशेष जो है प्राण है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा है? ए भयभीत, बी निर्भीक, सी भीरू, या डी भाव। इसका करेक्ट आंसर है डी भाव। भाव शब्द विशेषण नहीं है। भाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म होता है। भयभीत, निर्भीक व भीरू विशेषता बताने वाले शब्द हैं और इसलिए ये विशेषण कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए सुंदरता, बी कवि, सी विद्वान, डी भलाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी विद्वान। विशेषण पूछ रहा है, विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध करा रहा है। इसका जो शाब्दिक जो अर्थ होता है तत्व ज्ञान, या कह सकते हैं आप पंडित जी, और बाकी जो है जो जो भी ऑप्शन है सुंदरता, कवि, ये सब क्या है? विशेषता का बोध नहीं करा रहे हैं। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष से पूछा है, व्यक्ति है, कृशकाय है, वह है, या दौड़ने लगा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए है, व्यक्ति, व्यक्ति
व्यक्ति विशेष्य हो जाएगा। तिरस्कार द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्रिया विनिंग लिखित में से क्रिया विशेषण है, ए अंधेरा, बी धीरे धीरे, सी चाल चलन, डी सुंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है बी धीरे धीरे। धीरे धीरे में आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है जिससे क्रिया की विशेषता को पता चलता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। और बाकी अन्य जो है ऑप्शन है क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ए रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिदिन में वो आपका होगा जाएगा आपका डी, कालवाचक। प्रतिदिन शब्द जो है काल अर्थात समय बताने वाला होता है, यह कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, अब इसमें बताना है ए समुदाय बोधक, बी पुनरक्ति बोधक, सी आवर्ति बोधक, या डी क्रम बोधक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है समुदाय बोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह समुदाय का बोध करा रहा है। दोनों जो है, दोनों शब्द जो है समुदाय बोधक का बोध करा रहा है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ, गलत पूछ रहा है, एक कविता परिसमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल, या अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यहाँ पे जो वाक्य जो है विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है, विशेषण का सही प्रयोग क्या होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अगला प्रश्न देखिए, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, ए चार, बी पांच, सी छह, डी सात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका डी सात होगा। कौन कौन से होते हैं गुण को बताने वाले विशेषण, गुणवाचक विशेषण सर्वाधिक कितने होते हैं, सात होते हैं। यानी इसके काल हो गया, स्थान हो गया, आकार हो गया, रंग, दशा, गुण तथा दृष्टव्य के अनुसार यह सात होते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण पूछा है, ए इसमें क्रिया विशेषण कौन, ए घोड़ा, बी काला, सी तेज, डी दौड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपको सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तेज जो है क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया तथा उसकी विशेषता तेज है, इसलिए यहाँ पे तेज क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 29, गीला सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है, ए आकाशीय, बी आकाश, सी आराध्य, डी आश्रित। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी आकाश, आकाश जो है विशेष्य है, और आकाशीय, आराध्य तथा आश्रित जो है वे विशेषण है। और इनके जो विशेष क्या होते हैं आपको मैं बता दूं, आराधना हो जाएगा, आराध्या क्या आराधना हो जाएगा, आश्रित का आश्रय हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, ए अजय, बी अजीत, सी अकर्म, डी अनुशंसा। तो इसका करेक्ट आंसर है अजित, अजित विशेषण है। इसका जो विशेष जो होता है वो आपका होता है अजय, और बाकी सब अकर्म तथा अनुशंसा विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषण कौन नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, ए आंतरिक, बी अंतर, सी आग्नेय, डी अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी अंतर, अंतर विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा आंतरिक। और जबकि अग्नि का अग्नेय जो है आपका अग्नि का विशेषण, अग्नेय विशेषण है, इसके विशेषण क्या हो जाएगा अग्नि, और अधिकार से विशेषण है, इसका विशेष हो जाएगा अधिकार। तो ये थे आज के क्वेश्चंस।
आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। उर्दू सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।